नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडस्टेक इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोडाइट सिस्टम इन CD प्रोसेस, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CD प्रोसेस में एनोडाइट सिस्टम कैसे काम करती है। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियो को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है जिसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, CD प्रोसेस को पूरा डीपली में समझने के लिए ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं जिसमें मैंने CD प्रोसेस को इनपुट से लेके आउटपुट तक अच्छे से डिटेल में डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है। तो वहाँ से आप CD प्रोसेस को, इसके पूरे पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एनोलाइट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है CD प्रोसेस में एनोलाइट सिस्टम कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है और इस टैंक के अंदर यहाँ पे पेंट को फिल किया गया है, और यहाँ पे दो एनोड लगे हुए हैं, और यहाँ पे कंपोनेंट है जो एज अ कैथोड के रूप में काम करता है, क्योंकि ये CD प्रोसेस है। यहाँ पे CD प्रोसेस में, यानी कि कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस में क्या होता है कि कंपोनेंट को कैथोड के रूप में यूज किया जाता है, और जब ये AED प्रोसेस होता है, यानी कि एनोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन होता है, तो यहाँ पे कंपोनेंट को एज अ एनोड के रूप में यूज किया जाता है। तो ये CD प्रोसेस है, इसलिए हम यहाँ पे कंपोनेंट को एज अ कैथोड के रूप में यूज करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे अगर हम देखें तो जो करंट की सप्लाई होती है वो कैसे होती है, तो जो करंट की सप्लाई होती है वो रेक्टिफायर के थ्रू यहाँ पे DC करंट की सप्लाई की जाती है, जिससे क्या होता है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से जो इस टैंक के अंदर पेंट फिल किया गया है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, जिसके वजह से ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो अपोजिट अट्रैक्शन पे यह प्रिंसिपल आधारित है। जो पेंट्स के जो पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं जो कंपोनेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कैथोड की तरफ। तो इस तरीके से ये यहाँ पे AD कोटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज हो जाता है वो 250 से 300 वोल्टेज हो जाता है, और करंट की अगर बात करें तो 50 से लेकर 70 एम्पियर तक होती है। अगर बाथ पैरामीटर की बात करें तो जो बाथ का टेम्परेचर होता है वो होता है 28 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक, और जो बाथ के अंदर NVM मेंटेन करते हैं, यानी नॉन वोलेटाइल मैटर जो होता है, वो 16 to 22% तक होता है, यानी कि 16 to 22% तक इसमें सॉलिड होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका रैंप अप कैसे होता है। तो जो वोल्टेज हो जाता है, जो वोल्टेज होता है 300 वोल्ट तक, तो वो धीरे धीरे रैंप करता है, यानी कि वोल्टेज करीब करीब 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर 300 वोल्टेज तक अचीव होना चाहिए, और उसके बाद से यहाँ पे हमारी AD कोटिंग स्टार्ट होती है, जिसको कम से कम 3 मिनट का समय मिलना चाहिए। और जैसे जैसे यहाँ पे AD कोटिंग होती है, यानी कि धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है जिससे क्या होती है, इसकी थिकनेस बढ़ने लगती है, इस पर कोटिंग होने लगती है, और ये करंट क्या होता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है, यानी कि उसके बाद से जो ये अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और AD कोटिंग कंप्लीट हो जाती है। और इस CD प्रोसेस के थ्रू एक यूनिफॉर्म DFT यानी कि ड्राई फिल्म थिकनेस को अचीव किया जा सकता है किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो एनोड लगे होते हैं जब ये काम करते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं, यानी हीट हो जाते हैं, तो इसको ठंडा करने के लिए इसमें किस तरीके से सप्लाई करते हैं इसको ठंडा करने के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाइट कलर की पाइप लगी हुई है, यहाँ से क्या होता है कि फ्रेश DM वाटर को यहाँ से इस एनोलाइट के टैंक में फिल कर दिया जाता है। एनोलाइट टैंक से
जो फ्रेश डीएम वाटर होता है वो एनोड में जाने से पहले यह रोटामीटर से होते हुए जाता है, यानी कि ये फ्लो मीटर से होते हुए जाता है, जिसका जो एलपीएम होता है यानी कि लीटर पर मिनट में अगर इसके फ्लो रेट की बात करें तो 2 से 3 एलपीएम होता है यानी लीटर पर मिनट। अगर इसको हम कन्वर्ट करें एलपीएच में तो ये हमारा हो जाएगा 120 to 180 LPH यानी लीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फ्रेश डीएम वाटर को यहाँ पे रोटामीटर के थ्रू जब यहाँ पे सप्लाई किया जाता है इस एनोड में, तो रोटामीटर के थ्रू हमें इसलिए करना होता है कि यहाँ पे फ्लो रेट चेक करना होता है कि फ्लो सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है एनोड में। तो यहाँ पे जितने एनोड होंगे उतने यहाँ पे पाइप लगे होने चाहिए। तो ये क्या होगा, ये एनोड में जाएगा और एनोड इससे क्या होता है ठंडा हो जाता है और इससे बाद की कंडक्टिविटी भी मेंटेन रहती है और फिर से यह एनोलाइट टैंक में आ जाता है। ये क्लोज लूप की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर एनोलाइट टैंक की पीएच की बात करें तो पीएच 2 से 3.5 तक होता है और कंडक्टिविटी 2000 से लेकर 2500 माइक्रोन सीमेन पर सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे जब कंडक्टिविटी बढ़ती है यानी कंडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो पीएच यहाँ पे डाउन होने लगता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व लगा होता है। जब भी इस एनोलाइट टैंक की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आउट ऑफ स्पेक हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ से ड्रेन कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पे फ्रेश डीएम वाटर को फिल कर दिया जाता है। फिर ये सिस्टम ऐसे फिर से एक क्लोज लूप की तरह काम करती है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हमने देखा था कि इसकी जो वोल्टेज है और करंट है तो इसकी जो रैंप अप होती है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि वोल्टेज जो 300 वोल्ट तक जाता है वो सडनली नहीं पहुंचना चाहिए, वो धीरे धीरे स्मूथली जाना चाहिए जिससे कि ईडी कोटिंग अच्छे से हो कंपोनेंट पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा एनोलाइट सिस्टम सीडी प्रोसेस में कैसे काम करती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इंडस्ट्रीटेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।